नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ। पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर और नकदी भी बरामद की गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी करने वाले गिरोह के बाद अब देवास कोतवाली पुलिस ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले रिजवान शेख नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने बताया, मुखबिर की सूचना पर मिलने पर रिजवान नामक युवक ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा है। मामले में हमने एक व्यक्ति को ग्राहक बनाकर उसके पास पहुंचाया तो वह 5-6 गुना अधिक कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पाया गया, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से ऑक्सीजन सिलेंडर और 16,000 से अधिक की नकदी भी बरामद की गई है। देवास से रमजान खान की रिपोर्ट। मामला आता ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, उसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। क्या पूरा मामला, क्या घटना है? ये चूड़ी बाखल निवासी रिजवान है, जो सूचना मिली थी कि ये ऊंची कीमत पर ऑक्सीजन रिफिलिंग कर रहा है और इस प्रकार से कालाबाजारी में लिप्त है, जो पुलिस के द्वारा तंत्र बनाकर ग्राहक भेजा गया और उससे सौदा किया गया। तो इसके द्वारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो गैस थी, उससे 5-6 गुना अधिक कीमत की मांग की गई और उससे इस प्रकार सौदा करके पुलिस ने ग्राहक भेजा और इसका छापा मारा, तो इससे 2 सिलेंडर और 16,800 रुपये बरामद किए हैं। और कालाबाजारी करने और ऊँची कीमत पर गैस रिफिलिंग करने के लिए इसके विरुद्ध अपराध दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। आपने अभी तक टीएमटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।